ग्लास प्रिज्म में नोट करें द ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट द ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट द ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ग्लास हैविंग टू ट्राइंगुलर एंड्स made of glass having two triangular ends and three rectangular sides and three rectangular sides or rectangular faces और रेक्टेंगुलर फेसेस ऐसे समझिएगा ये है एक तरह से। तो आप ये देखेंगे कि ये जो ट्राइंगुलर प्रिज्म है, इस ट्राइंगुलर प्रिज्म में मैं फ्रंट की साइड से देखूं तो एक ट्राइंगुलर फेस नजर आता है। मतलब एक तो फेस ऐसा है इसका, सामने से तो लगेगा ट्राइंगल के जैसा। इसकी ठीक बैक साइड देखेंगे तो देखो ये बैक में भी एक ट्राइंगुलर फेस है। एक फेस ट्राइंगुलर फेस तो फ्रंट में हो गया, एक ट्राइंगुलर फेस बैक में हो गया, एक रेक्टेंगुलर फेस इस साइड में हो गया राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में रेक्टेंगुलर फेस हो गया और एक बेस में रेक्टेंगुलर फेस हो गया। तो यहाँ पर इसमें जो लिखा है हैविंग टू ट्राइंगुलर एंड्स, तो एक ट्राइंगुलर फेस तो ये हो गया, एक ट्राइंगुलर फेस ही हो गया, तो दो तो ट्राइंगुलर फेसेस हैं और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, एक राइट वाला, एक इधर लेफ्ट वाला और एक नीचे वाला। सभी को समझ में आ गया, स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया इसका प्रिज्म का, यस सर। ठीक है। तो प्रिज्म का स्ट्रक्चर तो इस तरीके से है। उसके बाद देखिएगा, फिर मुझे देखना है कि इसके थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। तो एक बार आपको रिफ्रैक्शन का मैं रिव्यू कराता हूँ। ये रिफ्रैक्शन जो हमने देखा था वो स्टडी हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में करा था। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होता था वो देखो, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऐसे होता था, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, जिसमें हम ये साइड वाले जो फेसेस हैं वो दिखाते ही नहीं थे। इसके अपनी सहूलियत के लिए, अपने कंफर्ट के लिए हम साइड वाले फेसेस दिखाते ही नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते थे इसमें कि ये होता तो क्यूबॉइडल था लेकिन ये हम दिखाते ही नहीं थे, तो हटा दो इसको।
और फिर इसमें कैसे करते थे कि एक तो नॉर्मल है, नॉर्मल यानी कि इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ऐसे ड्रॉप कर दी इस तरह से। अब देखिएगा इस पॉइंट पर मैंने एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई, इंसिडेंट मतलब रे ऑफ लाइट इस पर टकराई। अब ये इंसिडेंट रे है, तो ये नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है इसको हम बोल देते हैं एंगल आई, आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये एयर में से इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। तो क्या होता था, हमने रिफ्रैक्शन में ये देखा था कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम क्या होता था, जहाँ पर पार्टिकल्स सारे के सारे खुले खुले होते थे, जैसे कि एयर है तो एयर के सारे पार्टिकल्स एकदम खुले खुले होते हैं, उसको हम बोल देते हैं रेयरर मीडियम। और जैसे सॉलिड है तो सॉलिड के सारे पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं डेंसर मीडियम। तो जब भी कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाती थी ऐसे। ये हो गया था हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब ये हो गया, अब इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर आप ये देखिए कि मैंने इस पॉइंट पर जब ये रे ऑफ लाइट ऐसे टकरा रही है तो ये यहाँ से बाहर निकलेगी, मतलब अब ये इस ग्लास से, अच्छा ये गरिमा एंगल ऑफ रिपोज, ये तो फ्रिक्शन में होता है मैकेनिकल मोशन में, एंगल ऑफ रिपोज ये कहाँ पर पढ़ा तुमने? सर हमारी मैम ने क्विज में डाला था लाइट यार दोबारा चैप्टर, बोलो। सर हमारी मैम ने लाइट चैप्टर में डाला था क्विज में। किसमें करवाया? इसी में, प्रिज्म में, एंगल ऑफ रिपोज। सर लाइट चैप्टर, हाँ, लाइट वाले चैप्टर में एंगल ऑफ रिपोज उन्होंने आपको करवाया है। देखिए 99% तो मैं श्योर हूं कि गलत बता दिया उन्होंने, ठीक है 1% हो सकता है मुझे कुछ गलत ध्यान आ रहा हो, लेकिन 99% मैं श्योर हूँ कि एंगल ऑफ रिपोज जो है दो तरीके के फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक मतलब जब बॉडी रुकी हुई होती है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी मोशन में होती है। तो जब बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन की तरफ जब हम शिफ्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ में जो बॉडी एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोल देते हैं। शायद मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन मैं कंफर्म करके तुम्हें बता दूंगा, हो सकता है मैम ठीक कह रही हो पर पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद वो गलत बता रही है, क्योंकि एंगल ऑफ सर रिपोज यहाँ पर होता नहीं है, इसमें लाइट में तो नहीं होता शायद, मैं कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, एक होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कहीं वो उसमें कुछ कंफ्यूज हो गई हो। मुझे एंगल ऑफ रिपोज का यही ध्यान आ रहा है कि 11th क्लास में फिजिक्स में ही है ये भी, 11th क्लास में हम लोग जो वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर है उसमें फ्रिक्शन एक टॉपिक आता है, तो फ्रिक्शन में हम उसको कराते हैं। बाकी देख लूंगा, हो सकता है लाइट के कंटेक्स्ट में भी कुछ होता हो जो मुझे ना पता हो, मैं चेक करके कल पक्का बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। ओके सर, ये रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये नॉर्मल है यानी कि 90 डिग्री वाली लाइन, ये भी 90 डिग्री वाली लाइन जो इस सरफेस के और इस सरफेस पर, तो आप देखो कि ये वाली सरफेस, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल है, तो ये इस पर परपेंडिकुलर है पहली वाली लाइन पर, इस लाइन पर तो ये परपेंडिकुलर है और इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इन पर परपेंडिकुलर जो होंगी वो भी आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। पैरेलल लाइंस पर अगर हम परपेंडिकुलर्स डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो भी आपस में पैरेलल होती हैं,
तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो दिस एक्ट्स लाइक अ ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही होगा। ये क्या हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, फिर क्या होता है कि अब डेंसर से रेयर में जा रही है रे ऑफ लाइट, तो ये क्योंकि बाहर निकली तो ये ऐसी हो जाती है कि ये ओरिजिनल जो रे थी, ओरिजिनल रे के ही जैसे पैरेलल जा रही हो, इस तरह से होती है ये। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस वन इज इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट रे और एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिएगा, ये आपको सिर्फ रिकॉल कराने के लिए था कि क्या तो इंसिडेंट रे होती है, क्या रिफ्रैक्टेड रे होती है और क्या इमर्जेंट रे होती है। तो इसी तरीके से ऐसा ही कुछ प्रिज्म के केस में होने वाला है कि लाइट रे इस तरफ से आएगी, यानी कि एयर में से आ रही है लाइट रे, प्रिज्म जो है जो ग्लास का बना हुआ है उसके अंदर एंटर करेगी, यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, और फिर उसके बाद वापस एयर में चली जाएगी। मतलब रेयरर से डेंसर में आई, फिर डेंसर से रेयरर में चली गई, तो पहले रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट इमर्ज करेगी, यानी कि इमर्जेंट रे बन जाएगी। ठीक है, अब आप नोट करेंगे इसमें इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब था, यहां पर आगे नोट करें, इन इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, बट इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ बट इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म कॉमा द इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, अब इसके बाद रीजन लिखेंगे, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, ये मिटा रहा हूं बीच का डायग्राम, या बल्कि इसको बना रहने दो, इस डायग्राम को बना रहने दो, यहां करेंगे। दिस इज बिकॉज
दिस इज बिकॉज द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट इन अ ग्लास प्रिज्म This is because the emergent ray of light in a glass prism This is because the emergent ray of light in a glass prism is not parallel to the incident ray of light is not parallel to the incident is not parallel to the incident ray of light Because the opposite faces of the glass prism are not parallel to one another. Because the opposite faces of the glass prism are not parallel. आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर तो क्या होता है कि जो इमरजेंट रे है ग्लास प्रिज्म में जैसे इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे ये दोनों की दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं ये ग्लास स्लैब में होता है लेकिन ग्लास प्रिज्म में ऐसा नहीं होता है ऐसा क्यों है क्योंकि यहाँ पर जो पहला वाला सरफेस है जो अपोजिट फेसेस हैं ये अपोजिट फेसेस आपस में पैरेलल हैं तो अपोजिट फेस पर स्ट्राइक करने वाली इंसिडेंट रे इस फेस पर और इस फेस पर से निकलने वाली इमरजेंट रे ये दोनों पैरेलल होंगी क्यों पैरेलल होंगी क्योंकि ये फेसेस भी आपस में पैरेलल हैं ऐसे ही प्रिज्म के केस में इस जगह से लाइट आएगी और इस जगह से वापस जाएगी पहले यहाँ से आएगी इंसिडेंट होगी फिर यहाँ रिफ्रैक्ट होगी फिर यहाँ इमरजेंट होगी तो ये वाली रे और ये वाली रे ये पैरेलल नहीं है ऐसा क्यों है पैरेलल इस वजह से नहीं है क्योंकि जहाँ से ये टकरा रही है और जहाँ से ये निकल रही है ये दोनों लाइन्स आप देखो ये इंक्लाइंड है ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है जबकि ग्लास स्लैब में वो लाइंस पैरेलल होती हैं तो इस वजह से हमारा इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे वो भी आपस में पैरेलल होंगी समझ में आ गया सभी को इतना क्लियर है यस यस सर बाकी इस चीज को मैं प्रॉपर अभी मैंने प्रिज्म का डायग्राम आपको बनाकर नहीं दिखाया कि उसमें रिफ्रैक्शन होता कैसे अभी सिर्फ ये चीज नोट कर लीजिए आप इस चीज को कल करता हूँ फिर एक्सप्लेन आगे ठीक है ठीक है जी आज इतना ही कर लीजिए बाकी कल कराता हूँ फिर मैं